और जिसका परिणाम है इस देश के अंदर कुछ ऐसे कट्टरवादी इस्लामिक लोग हैं जो एक शादी नहीं चार शादी करते हैं और चार शादी के बाद तलाक देते हैं और तलाक दे दे करके ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने देखा अयोध्या के बगल में टांडा है जहां पर एक 80 वर्ष का मुसलमान जिसने 40 शादी किया। और एक निवेदन करना चाहता हूं कि त्रेता में भगवान राम और लक्ष्मण ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और हमारे कलयुग के राम और लक्ष्मण नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कश्मीर पर जम्मू पर विजय प्राप्त कर लिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था। 370 धारा और 35 से जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि 370 धारा और 35 से विशेषाधिकार देना कि भारत के कानून के विपरीत है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ बन गया था और उस आतंकवादियों का सेवन हमारे 70 वर्षों तक कांग्रेस के शासन में होता रहा। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, हम भारत में शांति की स्थापना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना चाहते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के भारत के वैभव को, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। अब वह समय नज़दीक आ गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाथ में वो सारी रिपोर्ट चली गई है। वो निर्णय मुझे ऐसा लगता है कि 17 नवंबर को गवोई जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, उसके पहले कुछ न कुछ निर्णय आ जाएगा जो आप सब लोगों की आंखों के सामने रहेगा। नहीं, बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है हम उससे सहमत हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था रखते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी अलग करेगा। सुप्रीम कोर्ट माने हंस, जैसे हंस सिर नीर के विवेक करता है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, जिस निर्णय को हम सब लोग स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो कहा है देश की जनता स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे। इस देश का 80% मुसलमान भी चाहता है कि अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, और कई मुसलमान अयोध्या में ईंट लेकर, पत्थर लेकर, सीमेंट लेकर गए भी थे कि हमको मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है तो हम लोग भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण शुरू कर देंगे। आतंकवादियों